आज हम करने जा रहे हैं एक देसी स्टाइल चिकन करी जो कुकर में बनेगी और टोटल लगेंगे 20 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। मैंने लिया है आधा कटोरी सरसों का तेल, एक चम्मच जीरा, थोड़ा सा नमक सरसों के तेल की स्मेल को काट सकें, एक तेज़पत्ता, एक मोटी इलायची, दो छोटी इलायची, थोड़े से लौंग और काली मिर्च। ये तीन प्याज पतले स्लाइस कर लिए हैं। प्याज को हम हल्का सा साइड में करेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 8 से 10 कलियां लहसुन की। इसको साइड में हल्का सा फ्राई होने देंगे लहसुन को। देखिए साबुत लहसुन का जो स्वाद है बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इनको पकाएंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज़ों को अगर जल्दी लाल करना है तो उसमें ऐड करेंगे नमक। जब तक हमारे प्याज लाल हो रहे हैं तब तक एक बनाते हैं स्पेशल पेस्ट जो इस चिकन को देगा कलर और टेस्ट। 1.5 चम्मच धनिया, 3/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के देगी लाल मिर्च, इसमें ऐड करेंगे पानी और इन मसालों को हम फूलने देंगे अच्छा सा, सो दैट जब हम इसमें ऐड करेंगे तो आप देखिएगा क्या बढ़िया कलर और टेक्सचर आया है। 1 चम्मच चॉप की हुई अदरक, 1 चम्मच हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे सो दैट जो नीचे चिपका हुआ है सारा वो आ जाए और बढ़िया कलर आ जाए। प्याज हमारे अच्छे से भुन रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो हमने मसाला बना के रखा था। अब देखिएगा कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर आएगा जब पानी और तेल आपस में मिलेंगे और मसाले। इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। चलिए देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है, तेल साइड पर निकल चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, 3 टमाटर ले लीजिए और उसको पतला स्लाइस करके, 1 मोटी लाल मिर्च भी डाल देंगे। टमाटर को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें मैं 1/2 कप गरम पानी डालूंगी। देखिए कितना बढ़िया है, कोई इसमें खास मेहनत नहीं है। अब इसको हम ढक्कन लगाएंगे और 1 विसल देंगे। वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया मसाला हमारा बनके तैयार है, लग रहा है ना बढ़िया और टेम्प्टिंग। इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे। इसमें मैं डालूंगी 3/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर। इसको हाथ से थोड़ा मसल लीजिए। ये देखिए लहसुन भी बढ़िया गल चुका है। ओहो, लहसुन का तो क्या ही फ्लेवर आएगा इसमें, बहुत ही टेस्टी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच चिकन पाउडर, चिकन करी पाउडर। ये हमारे चैनल पे इसकी रेसिपी है, आपको अगर मसाला देखना है कैसे बनता है तो आप वो रेसिपी जाके देख सकते हैं। और अगर आपके पास चिकन मसाला पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, मत डालिए। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, क्या बढ़िया कलर आ गया है। अब मैंने 1 होल चिकन लिया है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। इसको हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनेंगे जब तक चिकन कलर ना बदल ले अपना। अब इसमें हम डालेंगे 2 साबुत हरी मिर्चें फ्लेवर के लिए। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी भुनी हुई, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत ऐड कीजिए। चलिए चिकन अच्छे से भुन चुका है, मसाला भी देखिए बढ़िया तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे, क्योंकि ये तरी वाला चिकन है तो इसमें हम डालेंगे 250 ml पानी, और गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। चलिए अब इसको ढक्कन लगाएंगे और 1 विसल देके गैस को बंद कर देंगे। वाव, देखिए क्या बढ़िया रोगन आया है, कितनी बढ़िया ये डिश बनके तैयार है। इसको सर्व कीजिए राइस या रोटी के साथ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी फ्रेश हरा धनिया और स्क्वीज़ करेंगे 1 लेमन जूस। चलिए करते हैं इसको सर्व। पतली तरी वाला चिकन बनेगा जैसे हम घर में बनाते हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल। इसको सर्व कीजिए चावलों के साथ, बहुत ही टेस्टी बनेगा। हमारी डिश बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसी लगी। और कोई भी क्वेरी है तो मुझे मैसेज कीजिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल priyanka_bhatia। ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी चिकन है। एंजॉय।